गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इस्लामियों को बर्बाद करा, कोई ऐसी थी तो शादी कर लेते दादू आपका बेटा भी है। बोल एलजी बोल कर रही थी पप्पी दीदी जैसे बोलते बैठा दिया हल्का फुल्का इस तरह के मामला। ये बच्चा भी नया क्लास में के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो अभी आया है जिसको आप लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने ये क्लिप देखा वीडियो के आगाज में, यहाँ पर चल भी रहा है दोनों साइड पे। एक मासूम सा बच्चा है, एक वीडियो क्लिप में आपको देखा होगा आपने कि एक मासूम बच्चा है और वो बता रहा है, अपने मुंह से इकरार कर रहा है और बता रहा है कि मेरे साथ इन कारी साहब ने इस तरह की गंदी हरकत की है। एक तो ये क्लिप है, दूसरा एक और बच्चा सामने आता है उसने भी ये बयान दिया, तीसरा इसमें मैंने आपको क्लिप दिखाया जिसमें ये कारी साहब खुद इकरार कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा किया है, चौथा क्लिप इसमें कारी साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है, पांचवा कि ये बेचारे माफ़ी मांग रहे हैं, खातून के पाँव में सर रख रहे हैं और ये खातून भी इनके ऊपर तशद्दुद कर रही है, किसी किस्म का रहम नहीं खा रही, और एक और क्लिप जिसमें पुलिस आती है और इनको यहाँ से उठाकर ले जाती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है, अपने हिरासत में ले लेती है। इस वाक़े को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कराची का ये वाक़या है, कराची के एक मदरसे के अंदर एक कारी साहब एक बच्चे के साथ नाज़ेबा हरकत कर रहे थे, अभी से नहीं कर रहे थे, काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर इस बच्चे ने हिम्मत पकड़ी, मेरे ख्याल से उसने हिम्मत पकड़ी और ये आया, इसने गली मोहल्ले में आकर लोगों को बताया। इसके बाद ये कारी साहब मदरसे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, फरार होने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान लोगों ने उनको वहाँ पर पकड़ लिया। होना क्या चाहिए था मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को कॉल करते, बच्चे के वालदैन को बुलाते और बच्चे के वालदैन की मुदय्यत में इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता और जो कानूनी कार्रवाई होती उस कानून के मुताबिक इनको सज़ा मिलती, बेहतर था। लेकिन जब लोग हाइपर हो जाते हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं और लोगों का जो एक पैमाना होता है एक सब्र का, अगर वो टूट जाए तो फिर लोग हमला करते हैं। फिर भी नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज़ की मुज़म्मत करता हूं कि इनके ऊपर किसी ने भी तशद्दुद किया है वो इंतहाई गलत है, बल्कि कानून को उनसे भी ज़रूर पूछना चाहिए कि आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप एक मुल्क के अंदर जब रियासत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद आप उन पर हाथ उठा रहे हैं। तो ये तो जंगल का कानून हुआ जहाँ पर आम इंसान पर, अगर वो गलत भी है, वो जिसने जितना भी बड़ा जुर्म किया है, लेकिन लोगों का सब्र और मुआशरे के अंदर कुछ तकाजे होते हैं, उनको भी हमें देखना होता है। इस वाक़े के अंदर मैं दाद दूंगा इस बच्चे को, दोनों बच्चों को, ये कमाल कर दिया इन्होंने कि इनके वालदैन ने इनकी इतनी ज़बरदस्त तरबियत की है, इनको घर पर ये एजुकेशन बताई है कि ये गुड टच है, ये बैड टच है, ये इस तरह अगर आपको कोई हाथ लगाता है तो ये गलत है, ये इस तरह अगर आपको कोई हाथ लगा रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। इसी चीज़ का रोना पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग रोते हैं कि स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन दी जाए, लेकिन इसके खिलाफ मजहबी तबका आ जाता है मैदान में कि भाई नहीं, हम तो नहीं देंगे, आप हमें यहूदियों की तालीम दे रहे हैं, आप हमें इसराइल की साजिश बना रहे हैं। लेकिन अब मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि बच्चों को घर पर अगर आप जितना एजुकेट कर सकते हैं उतना उनके स्कूल्स वाले नहीं कर सकते, और अगर आप बच्चों को पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं तक एजुकेट नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं बताएंगे, तो उसके बाद वो बच्चा बहक जाएगा, उसको आप जितना मर्जी संभाल लो वो संभालने के काबिल नहीं होगा, उसके साथ बहुत कुछ हो चुका होगा। तो मेरी इस बच्चे को सलूट है, सबसे पहले इनके वालदैन को सलूट है या जिसने भी इनको ये चीज़ सिखाई है कि भाई ये चीज़ गलत है। अब देखने में ये 6 साल का बच्चा ही लग रहा है, नाजरा सपारा पढ़ने जा रहे थे और मदरसे के अंदर 30-40 बच्चे और भी थे, तो कारी साहब भी इसके अंदर इकरार कर चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, पुलिस की हिरासत में है, इनकी तफ्तीश इस वक्त जारी है, तहकीकात इस केस की हो रही है। दूसरा, कुछ लोग जज्बाती होकर मुतालबा कर रहे हैं कि भाई मदारिस को बंद किया जाए, कुछ लोग, बहुत कम लोग। देखें, मदारिस बंद करना हल नहीं है। अगर कोई बच्चा, यूनिवर्सिटी का बच्चा उठता है डिप्रेशन की वजह से, पेपर्स में कम नंबर्स आने की वजह से, दोस्तों रिश्तेदारों के प्रेशर की वजह से अगर सुसाइड करता है, अपने आप को मार देता है, दैट मींस क्या आप उस यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सेक्टर को ख़त्म कर देंगे? पूरी दुनिया के अंदर तालीमी प्रेशर में आकर बच्चे जो है खुदकुशियां करते हैं, हिंदुस्तान में तो ये रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, अंदाज़ा नहीं है, एक घंटे के अंदर एक खुदकुशी हो रही है।
तो क्या आप वो चीज़ बंद कर देंगे? तो इसका कोई हल नहीं। जिस तरह पबजी गेम को बैन किया गया, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि पबजी बैन करने की वजह से एक बच्चे ने खुदकुशी की थी। तो भाई अगर आप खुदकुशी कर ली उसने पबजी की वजह से प्रेशर में आकर, तो पबजी आपने बैन कर दिया, दैट मीन्स आप स्कूल्स बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दो। बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो है खुदकुशियाँ कर लेते हैं कम नंबर आने की वजह से, एडमिशन ना मिलने की वजह से। तो आप ये मेरिट सिस्टम सारा ख़त्म कर दो, ये बिल्कुल भी हल नहीं है। हाँ, मदारिस की सिक्योरिटी की जाए, मदारिस के अंदर कैमरे नस्ब किया जाए, मदारिस को रजिस्टर्ड किया जाए, और कोशिश करें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कारी साहब को अपने घर पर ही बुलाए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोहल्ले के अंदर अगर अब 10-12 बच्चे मिल जाते हैं और पर बच्चा 500 रुपया भी हो जाता तो एक कारी साहब एग्री हो जाते महाना 5-6 हज़ार में आपको आधा घंटा घर में आके बच्चों को आपके सामने पढ़ाएंगे, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे घर के अंदर कारी साहब घर में ही आते हैं और वो बच्चों को पढ़ा के जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मदारिस के ख़िलाफ़ हूँ, ये बिल्कुल मेरा हरगिज़ मतलब नहीं। हाँ, मदारिस की सिक्योरिटी की जाए, उनको रजिस्टर किया जाए, वहाँ पर कैमरे नस्ब किए जाए। दूसरा, उलमा हज़रात से शिकवा है कि जब इस तरह के वाक़यात किसी यूनिवर्सिटी में होते तो आप लोग आ जाते हैं, फतवे भी जारी करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये हो रहा है, ये गलत नतीजा है। तो मदारिस के मामलों में भी कम अज़ कम मजहबी जमातों को और उलमा इकराम को, मुफ्तियान इकराम को, उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों पर भी आए सामने और खुल कर आए कि बताएं, सज़ाओं का मुतालबा करें। बाकी जब कुछ ऐसा ऐसा बाहर होता है तो फिर आप कहते इस लड़की ने जीन्स पहनी हुई थी। अब वहाँ पर बच्चों ने तो टोपियाँ पहनी हुई थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, सपारा कुरान पाक उनके हाथ में था, तो उन्होंने कौन सी ऐसी बेहुदा चीज़ पहनी हुई थी? कुछ दिन पहले एक कोहाट के अंदर वाकया हुआ कि एक 3 साल बच्ची का वहाँ पर रेप किया गया, उसको काट कर फेंक दिया गया, वहाँ पर एक गंदे नाले में फेंका गया। उस बच्ची ने क्या कौन सी जीन्स पहनी होगी, कौन सी उसने ऐसी ड्रेसिंग की होगी बेहुदा, जिसकी वजह से जनाब जो रेपिस्ट था उसका दिमाग बदल गया। फिर ज़ैनब मर्डर केस देखते हैं हम, उस बेचारी ने क्या 4-5 साल की बच्ची को आपने कौन सा दुपट्टा बुरका पहनाना है, या उसकी वजह से कौन सा उस बंदे को जनाब शहवत आई, या उसने कौन सी बेहयाई फैलाने की कोशिश की? तो मदारिस के अंदर तो बच्चे सपारा पढ़ने गए थे, तो यहाँ पर तो कोई इस तरह का एलिमेंट ही नहीं है। तो ये एक बीमारी है जो हम लोगों में अब आ चुकी है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। फिर से कहता हूँ आखिर में कि कोई फांसी इसका हल नहीं है। आपने ज़ैनब मर्डर केस में देखा, इमरान को 3 महीने ट्रायल किया गया, उसकी फांसी हो गई और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ग्राफ किया है इसका ऊपर। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तानियों में शऊर आ रहा है कि अब लोग FIR दर्ज करवाते हैं, शर्माते नहीं हैं। दूसरा, बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, बच्चों को घर में सिखाना शुरू कर दिया कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह से इशारा करता है आपने उसके पास नहीं जाना, आपने हमें बताना है। स्कूल में, कॉलेज में, इसके अलावा मदरसे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, पार्क के अंदर, आपको दुकानदार जो है आइसक्रीम वाला अगर आपको इस तरह से हाथ लगाता है आपने हमें आकर बताना है। इसी चीज़ का रोना है, कहानियाँ बहुत सी है। मैं आपको अगर अब दिखा दूँ कि मस्जिद के अंदर एक वाक़या लाड़काना के अंदर पेश आया है, और उस बंदे ने, उस कारी साबित है वो भी, उन्होंने उस बच्चे का भी कत्ल कर दिया, उसको मर्डर कर दिया। इधर लाहौर के अंदर बहुत सारे वाक़यात पिछले साल रिपोर्ट हुए, इस साल भी रिपोर्ट हुए। तो ये तो होते रहेंगे, मदरसा हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, लेकिन रोकने का तरीका मैं फिर कहता हूँ ये फांसियाँ शांसियाँ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। एजुकेशन है, एजुकेशन है, तरबियत है, और ये तरबियत बेहतर, सबसे बेस्ट फॉरम इसका आपका अपना घर है। अगर आप खुद अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को स्कूल में कभी ये नहीं सिखाया जाएगा। अगर स्कूल में इस तरह कुछ सिखाया गया और वहाँ पर कोई मजहबी तबका आ गया और उन्होंने देख लिया या उनको पता लग गया, तो वो स्कूल को ही आग लगा देंगे। और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और बहुत सारे हो भी चुके हैं। एट लास्ट यही रिक्वेस्ट है, बच्चों को घर पर सिखाए। और ये वाक़या, इस बच्चे को मैं सलूट पेश करता हूँ, इसके वालदैन को सलूट पेश करता हूँ, और जिन लोगों ने यह हरकत की, इसको मारा पीटा, गलत किया, उन्होंने ज़्यादती की, कानून को हाथ में लिया। आप एक रियासत के अंदर रहते हैं, आप एक मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ पर इदारे हैं, कानून है, अगर ये जंगल होता तो आप ख़ुद इंतकाम ले लेते। तो ऐसे मामलों में हमें फ़ौरन 115 पे कॉल करनी चाहिए और उस बंदे को गिरफ्तार करके अपने कब्ज़े में रखना चाहिए, बजाय इसके कि खुद मारपीट करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स, वीडियोज़ आपको मिलती रहे। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए जिंदाबाद।